गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स डे 3 ऑफ क्वारंटाइन। तो आज मैं बहुत लेट उठी हूँ, मतलब रोज ही लेट उठ रही थी, लेकिन आज सबसे ज़्यादा लेट है। आज कितने बज रहे हैं? 11:30 हो चुका है और मैं बहुत बहुत लेट उठी हूँ आज। आई मीन मुझे पता ही नहीं चला, ये आदत ना हो जाए मेरी, मैं कल से जल्दी उठने वाली हूँ। सो बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा बारिश वाला हो रहा है और चलो देखते हैं कैसा मौसम है। अचानक से बारिश होने लग गई है। गाइस सी, क्वारंटाइन में बहुत सारी सब्जी वगैरह हमने ला के ऑलरेडी रख ली है ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। वाओ इतनी सारी सब्जी। तो या गाइस, तो बारिश कभी बहुत तेज हो रही है, कभी नहीं हो रही है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एनीवेज मैं इतना लेट उठी हूँ कि अब ब्रेकफास्ट करने का टाइम तो जा चुका है, तो मैं जाके सबसे पहले नहा ही लेती हूँ तो बेटर रहेगा। नहा लिया है अच्छे से, बाल भी गीले हैं। सो सबसे पहले, अब मैंने अभी तक कुछ खाया तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ आपको माय फेवरेट टैडी। मतलब मेरे चैनल में आपने बैकग्राउंड में देखा होगा, मेरे पास एक पर्पल कलर का टैडी है एंड ये भी मेरा फेवरेट टैडी है। इट्स सो बिग दो एंड सो ब्यूटिफुल। तो इसका नाम है मोमो। हाय मोमो, हाँ तो ये मेरा टैडी नहीं है, ये गिफ्टेड टैडी है, मतलब कि मैंने गिफ्ट किया है मेरी सिस्टर को, छोटी बहन को। तो अब चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, देखते हैं क्या बनने वाला है। तो ये है मेरा प्यारा सा किचन जो मैं आपको पहले तो दिखा चुकी हूँ, और देखते हैं क्या बन गया है। वाह कितनी अच्छी भिंडी है, आई थिंक दाल भी तैयार है। आटा, सो आज हम खाने वाले हैं घर का खाना, दाल चावल सब्जी रोटी और भिंडी की सब्जी है। और आप लोग सोच रहे होंगे अगर सब खाना पहले से बन गया है तो मैं घर में बैठ के क्या करूँ, मैं बर्तन मांजने वाली हूँ। ये बैकग्राउंड कितना अच्छा है ना, काश मैं यहाँ पे वीडियो शूट वगैरह कर पाती, इट्स लाइक रियली गुड बैकग्राउंड, I like it. So, okay guys. तो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ मेन सीरीज या सीरियल्स जो आप देख सकते हो इन क्वारंटाइन में। तो अगर आपको पसंद है ट्विलाइट वगैरह की सीरीज लाइक वैम्पायर्स एंड ऑल, तो आप देख सकते हो मेरा फेवरेट शो दैट इज वैम्पायर डायरीज। और अगर आपने वैम्पायर डायरीज देख लिया है तो आप देख सकते हो उसका एक स्पिन ऑफ शो द ओरिजिनल्स। इसके अलावा फ्रेंड्स तो हमेशा चल ही रहा है, और आपने नहीं देखा है तो आप देखना स्टार्ट करो, क्योंकि मैं भी अभी देखने वाली हूँ, लाइक मैं 8th एपिसोड में हूँ फर्स्ट सीजन। आई नो ये सुन के ऐसा लगता होगा कि मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ सीरीज एंड ऑल, बट आई एम अ ह्यूज फैन एक्चुअली। तो व्हाट एल्स यू कैन वॉच नेटफ्लिक्स इज you can watch Insatiable if you are into like modeling field, not actually, if you want to just enjoy the show you can watch Insatiable। और अगर आप Insatiable देखने वाले हो तो आप Gossip Girl भी देख सकते हो, Hello Who I Am, XOXO Gossip Girl। इसके अलावा और क्या देख सकते हो, वो बर्ड वाला कौन सा था जिसमें आँख बंद करके वो भी मुझे याद नहीं है ना। और क्या देख सकते हो, या बिग बैंग थ्योरी यू कैन वॉच गेम ऑफ थ्रोन्स, और अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देख चुके हो तो यू कैन वॉच विचर्स। व्हाट एल्स यू कैन वॉच, विचर्स, व्हाट एल्स यस। सो अगर
अगर आप डिज्नी फैन रहे हो और आपको प्रिंसेस स्टोरीज अच्छी लगती है पर अगर ट्विस्ट के साथ आपको देखना है तो आई मस्ट रिकमेंड वंस अपॉन अ टाइम इन नेटफ्लिक्स. बहुत ही अच्छा शो है, आप देख सकते हो आराम से. एंड ये मतलब मुझे 6 seasons तो बहुत अच्छे लगे हैं, 7 seasons मुझे थोड़ा सा लगा लेकिन बाकी सब कुछ अच्छा था. और इसमें बहुत सारे प्रिंसेसेस हैं लाइक एल्सा, फ्रोजन प्रिंसेस, स्नो वाइट और टियाना एंड बहुत सारे रैपंज़ेल, बहुत सारे प्रिंसेस का एकदम एकदम मतलब एक ट्विस्ट है, एक न्यू स्टोरी है पर उसमें ये सारी प्रिंसेस एंड एवरीवन है, उनकी स्टोरी भी है एंड द मैजिक इज हियर. सो या व्हाट एल्स यू कैन वॉच, अगर आपने आप हैरी पॉटर फिर से देख सकते हो, बहुत अच्छा है. मैंने तो अभी बिंग वॉच किया था. और अगर हैरी पॉटर से मुझे याद आया कि आप देख सकते हो हॉबिट, आप देख सकते हो रिंग दैट मूवी, भूल गई वो रिंग वाली जिसमें हॉबिट का ही रिंग द रिंग नहीं द रिंग नहीं रिंग ओके आई थिंक यू गॉट इट. मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, दैट वुड बी ग्रेट. व्हाट एल्स यू कैन वॉच, अगर आपको हिंदी ड्रामा सीरियल्स पसंद है तो आज बालाजी आप देख सकते हो, उसमें बहुत सारे शोज हैं. मैंने उसमें से देखा है जो मिस्टर बजाज थे, क्या नाम था, तू भी कर ले मोहब्बत, वो भी मैंने देखा हुआ है. फिर से ऐसा कुछ था, ओह माय गॉड, मुझे कुछ नाम ठीक से याद नहीं है बट हाँ वो एक फेमस कैरेक्टर है दोनों के, वो भी आप देख सकते हो. और उसमें कहने को हम सफर है, उसमें भी बहुत अच्छा रोहित जो है वो है और मोना, तो दिस इज गुड, मतलब कास्टिंग बहुत अच्छी है तो आप देख सकते हो, वो भी इंजॉय करोगे. व्हाट एल्स यू कैन वॉच, वूट पे तो यार बिग बॉस चल रहा है 13, आई मीन ऑफ कोर्स अगर आपने नहीं देखा है बिग बॉस 13 तो आप देख सकते हो क्योंकि वो जो इस साल का या शुरुआत का या टाइम का सबसे ज्यादा फेमस बिग बॉस रहा है, बिग बॉस 13, तो आप वो देख सकते हो. इसके अलावा अगर आप कुछ नए गाने वगैरह देखना चाहते हो तो अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा फिलहाल पसंद है भुला दूंगा फॉर सिडनास ऑफ कोर्स. इसके अलावा तू कल नहीं सोना नहीं, ये भी एक अच्छा सॉन्ग है, ये भी एक नए सॉन्ग आ रहे हैं. और आई थिंक मेरे अंगने में भी एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप कुछ नया देखो, कुछ इंजॉय करो क्वारंटाइन में. सो ये रहा घर का खाना, दाल है हमारे पास, भिंडी है जो कि मुझे थोड़ी ऐसी ही पसंद है, और पराठा है मम्मी के हाथ का, और सैलेड, और मुझे बहुत पसंद है. आई एम सो लकी टू हैव दिस फूड एट होम क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं. यस चलिए जल्दी मैं खा लेती हूँ इसे. और जब मैंने सोचा कि मैं एक अच्छा खाना खाऊंगी तो लाइट चली गई, अब खाना मुझे दिख ही नहीं रहा है. मेरी मम्मी कह रही पर्दा खोल लो, ऑफ कोर्स I'm so hungry though. Yummy. खाना बहुत टेस्टी है मॉम, खाना बहुत टेस्टी है. वाओ. सो खा लिया मैंने खाना अच्छे से और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था. घर का खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, भिंडी की सब्जी, रोटी, दाल, चावल. तो अब मैं आपको इंटरटेन करने का सोच रही हूँ कि कुछ गा के सुनाती हूँ, शायद आपको अच्छा लगे. एंड या मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ बट आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई बिकॉज मैं बचपन से गा रही हूँ, बाथरूम सिंगर कह सकते हो. सो चलो मैं आपको एक सॉन्ग सुनाती हूँ. ये सॉन्ग एक्चुअली तो है एक सीरीज का, मतलब सीरियल का, बट आई थिंक आपको पसंद आएगा. सीने में धड़के ये दिल तेरी ही वजह से, मेरी तो चाहतों का तुम हौसला, जाने ना ऐसा भी किया था मैंने क्या रे, जिसकी वजह से मुझे तू है मिला. आसमानी नहीं ला तो शामे मेरी, दिन रात काटू लेके तेरा ही ना. बेखुदी लेके जाएगी जाए बेखुदी, बेखुदी लेके जाएगी जाए बेखुदी. ओके गाइस, तो मैं पिछले 3 घंटे या 4 घंटे से टिकटॉक बना रही हूँ.
कि सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। और अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाए जाए तो अच्छा। मेरे फोन में तेरी फोटो, मम्मी पूछे बेटा कौन है। अरे तो तू क्यों रखती है अपने फोन में मेरी फोटो, मरवाएगी क्या किसी दिन को? और क्या बोल रही थी तेरी मम्मी? रात भर तू सोई नहीं, तेरी किससे चैटिंग? के तेरे इश्क में कोरोना हो जाऊं, तू मुझे छू ले और मैं तेरा हो जाऊं। कृष्ण कहते हैं कि मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। जय श्री कृष्ण। एंड दे आर रियली फनी दो। एंड मैंने इसके साथ साथ आज बनाया है बेसन के लड्डू। हाँ, मेरे चैनल में उसकी रेसिपी ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे एक लिंक भी डाल देती हूँ। और चलो देखते हैं, फ्रिज के अंदर रखे हुए हैं, अभी अभी ही डाले हैं, सिर्फ 5 मिनट हुआ है। सो लेट्स सी कि कैसे लग रहे हैं। लो चले। तो ये रहे मेरे लड्डू, आई थिंक दे आर लुकिंग गुड। थोड़ा इस बार थोड़ा ज़्यादा चॉकलेटी टाइप के हो गए, बट टेस्ट में अच्छे हैं। As you can see, पापा से पूछ लेते हैं, पापा कैसे लगे लड्डू आपको? टेस्ट अच्छा है, टेस्टी है। एक और चाहिए? ओके। सो ये थे मेरे लड्डू, और बस अब बनने वाली है रात के लिए खिचड़ी, क्योंकि हम खिचड़ी और आलू भाजा जो बोलते हैं इसको, आलू फ्राई। ये हमने सोचा है कि हम थोड़ा सा हेल्दी खाना खाएंगे, लाइक 2 टाइम पूरा एकदम फुल फुल नहीं खाएंगे, थोड़ा कम कम करके खाएंगे, क्योंकि इट्स और बर्तन तो बन चुके हैं दोस्तों। सो गाइस, आई एम सॉरी, रात का ब्लॉग में बनाना भूल गई, क्योंकि मैं सब खिचड़ी खाई और आई वॉज वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर लाइक रियली रियली लॉन्ग टाइम। सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर आपको सिंगिंग वीडियोज़ चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड मैं आती हूँ फिर नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।